नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए दोस्तों, हम आ गए अपने खेत में और इस वक्त देखिए हमारे खेत की जो गोभी है वो लगभग खत्म हो चुके हैं और ये एक दो बचे हैं थोड़े से, तो ये हम रहने देते हैं। और इसमें से जो खत्म हो गए हैं गोभी, तो इनको बाकी के कुछ गोभी खराब हो गए हैं तो इन सबको निकाल लेते हैं। और इसी में मैं जो है दोस्तों लगाने वाली हूँ आज पत्ता गोभी के पौधे। और पत्ता गोभी लगाने के बाद फिर घर चलेंगे और मैं आज पत्ता गोभी की ही आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार सी रेसिपी बना के शेयर करूंगी। तो वीडियो कर दीजिए भी लाइक, क्योंकि बाद में तो आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले तो खेत को क्यारी को साफ करते हैं और यहीं पे हम लगाते हैं पहले पत्ता गोभी के पौधे। हालांकि मैंने पत्ता गोभी की नर्सरी तो नहीं लगाए थे, इसके पौधे भी हमने खरीद कर लाए हैं। तो चलिए अब जल्दी से देर नहीं करते उसको लगाते हैं। और देखिए जो हमने टमाटर लगाए थे, ये देखिए हमारा टमाटर किस तरह से फर रहा है, ये देखिए कितना बढ़िया जो है और गुच्छेदार देखिए टमाटर फर रहे हैं। ये सब बहुत ही बढ़िया है और ये सब हमारे उसी एग्री प्रोडक्ट का ही कमाल है। तो चलिए अभी हम क्यारी को पहले साफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए गोभी हम काट लिए हैं और क्यारी कर लिए हैं सफा। अब लगाते हैं उसमें ये देखिए पत्ता गोभी। ये पत्ता गोभी के पौधे ये हैं, देखिए पत्ता गोभी के पौधे। और चलिए इसको हम लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे पत्ता गोभी के पौधे लगाते हैं। और पत्ता गोभी के पौधे हम इसमें लगाएंगे, ये जो हमने नारी है बनाए हैं, यानी ये मेड़ पे नहीं लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। तो जब ये पौधे थोड़े बड़े होंगे तो ये वाली मिट्टी की गुड़ाई करके यही मिट्टी हम फिर इस पे लगा देंगे। और ये भी मिट्टी जो है बहुत बढ़िया है, खाद पानी से एकदम भरपूर है। आपने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि हमने जब एग्री ह्यूमिक और एग्री बयासी जो पानी के साथ मिला के सिंचाई किए थे, तो ये पूरे क्यारी की हम सिंचाई किए हैं, यानी ये मिट्टी पहले से ही बहुत ताकतवर है। तो इसी में हमको जो है ये लगाना है पौधे। तो इसको लगाने का काम तो हमारे अनु और ये सब छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत तेज हैं ये सब, तो यही सब लगाएंगे। मैं इसमें गड्ढे बनाते जाती हूँ। अनु लगाना जल्दी जल्दी तुम लोग पौधे। तो ये हम इतने इतने दूरी पर एक गड्ढा बनाते जाते हैं और इसमें ये बच्चे हमारे जो है पौधे लगाते जाएंगे। खेत में काफी, तो ये देखिए दोस्तों, इसको हम इसी तरह से देखिए लगा रहे हैं। और ये गोभी तो एक दो दिन में हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद यहीं से ये जो पत्ता गोभी के पौधे हैं ये ग्रो करेंगे और ये ऊपर आने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए गोभी के पौधे तो हम सब लगा दिए हैं और अब हम यहीं से लेंगे देखिए हरा धनिया, हरा लहसुन और हरा प्याज। और इस हरे हरे मसालों से आज मैं आपको पत्ता गोभी की बहुत ही मजेदार रेसिपी बना के शेयर करने वाली हूँ। तो फिर चलिए आज, तो चलिए दोस्तों, हमने खेतों में से काम कर लिए हैं और यहाँ देखिए हमने चूल्हे पे आग भी जला लिए हैं। तो आज तो मैं दो चूल्हे पे खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ पत्ता गोभी की बहुत ही बढ़िया मजेदार रेसिपी। और इस पत्ता गोभी की सब्जी के साथ जो है चावल बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए देखिये, एक चूल्हे पर तो हम इधर रखे हैं चावल और उधर देखिये हम क्या करेंगे, उधर आलू और
पत्ता गोभी को पहले बॉईल करेंगे। तो यहाँ बर्तन में पहले देखिए हम डालते हैं चावल, एक साइड चावल पकने के लिए। तो चावल हम रख दिए हैं और ये इसके थोड़े कड़े पत्ते हैं, ये हम निकाल दे रहे हैं और पत्ता गोभी को भी काट लेते हैं। तो चूँकि पत्ते गोभी को हमें बॉईल करना है तो इसे बहुत महीन महीन नहीं काटेंगे, थोड़े इस तरह के पीसेस में हम कट कर ले रहे हैं। तलने रखते हैं पहले देखिए आलू, नीचे आलू रखेंगे। और फिर ऊपर ये पत्ता गोभी और इसको हम जो है पहले बॉईल कर लेते हैं। चलिए एक तरफ चावल और एक तरफ पत्ता गोभी उबल रहा है, तब तक मैं सब्जी बनाने के लिए जो हमें सब्जियां और भी चीजें चाहिए मसाले वो सब हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए खेतों में से हम हरा प्याज लहसुन धनिया सब ले आए हैं, तो इसको तैयार करते हैं। तब तक हमारे इधर से पत्ता गोभी भी बॉयल हो जाएगा। देखिए ये हरी, इसमें हम जो मसाले डालेंगे तो ये देखिए ये हरे मसाले हैं, ये हमने हरा प्याज लिए हैं दो गाठे और ये लहसुन है, धनिया, अदरक, मिर्च, लहसुन, इन सबको जो है एक हम पीस के पेस्ट तैयार कर लेंगे। और देखिए मेरी गिलहरी इधर रोटी खा रही है। तो देखिए दोस्तों ये पत्ता गोभी उबल गया है और आलू भी उबल गया है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। आलू को बढ़िया से छील के और उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और पत्ता गोभी को अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल लेते हैं। ये दो काम तो पहले हम जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों हम पत्ता गोभी को देखिए निचोड़ के और इसका देखिए पानी निकाल लिए हैं और ये आलू को भी छील के और इसके देखिए इस तरह से हम टुकड़े तोड़ लिए हैं। तो चलिए इस पत्ता गोभी में हम देखिए इसको फोड़ लेते हैं। पत्ता गोभी में देखिए हम कुछ ऐड करेंगे, ये अजवाइन, थोड़े से कटे हुए बारीक हरी मिर्च, ये हमने जो अदरक लहसुन और मिर्च का एक पेस्ट बनाया है थोड़ा ये भी डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक, ये स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दे रहे हैं। इसको मिक्स करते हैं। तो देखिए हम नमक और ये अजवाइन मिर्च अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो अब इसमें हम थोड़े थोड़े करके बेसन डालेंगे, एक साथ बेसन नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके और इसको मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जो गोभी है ये ऑटोमेटिक जो है काफ़ी नरम है, तो इसमें हम थोड़े थोड़े बेसन करते हुए डालेंगे और बहुत ज़्यादा इसमें बेसन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देखिए इतना बेसन काफ़ी है, इसमें लगभग हमने 4-5 चम्मच के लगभग बेसन डाले होंगे, ये देखिए। तो चलिए अब इसके हम बना लेते हैं कोफ्ते, इस तरह से एक छोटे छोटे अच्छे से मिक्स करके और इस तरह से इसके हम छोटे छोटे इस तरह के बॉल्स बना लेंगे। ध्यान रहे बहुत बड़ा या बहुत छोटा बॉल्स नहीं बनाने हैं, मीडियम साइज के बनाते हैं ताकि अच्छे से अंदर से सीख जाए। तो इस तरह के देखिए बॉल्स हम बना लेते हैं। अब इधर देखिए दोस्तों हम डालेंगे कढ़ाई में तेल और इस सब्जी को बनाने के लिए देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्टीज के लाइट हाउस राइस ब्रेन ऑयल का। यकीन मानिए दोस्तों ये बहुत अच्छा तेल है और इस तेल का आप लोग जरूर अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल करने से मेरे यहाँ बहुत इसके प्रॉफिट हुए हैं, पेट से संबंधित करीब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसको ये दूर कर देता है और ये सुपाच्य भी है। इसे लेने के लिए आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट करिए, ये बहुत बेहतरीन तेल है और इसी में मैं देखिए सब्जी बना रही। तो इस तेल में कोई भी आप सब्जी बना सकते हैं और सभी सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो देखिए तेल लगभग गर्म हो गया है, तो इसमें हम ये पत्ता गोभी के जो बॉल्स बना रहे हैं ये इसमें हम डालेंगे। देखिए इसको अलग पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेते हैं। तो ये देखिए कोफ्ते जो है बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं बर्तन में। इसी तरह से सारे पत्ता गोभी को हम फ्राई कर लेंगे।
तो दोस्तों जब तक कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इधर मसाला भी तैयार करके रख लेते हैं। तो ये हमने देखिए एक चम्मच धनिया गरम मसाला, ये हम थोड़ा सा दे रहे हैं, ये आधी चम्मच हल्दी, ये कश्मीरी लाल मिर्च, मसाले हमने घर पे बनाए थे। और इसमें देखिए हम पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। देखिए दोस्तों सारे कोफ्ते जो है फ्राई हो गए हैं, अब हम बनाते हैं इसमें इसकी ग्रेवी। तो तेल थोड़ा अधिक है तो इस तेल को हम कम कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, इस तेल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे दोबारा यूज किया जा सकता है, ये कोई नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जब हम मार्केट का रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि उसे एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे यूज नहीं किया जा सकता है, वो हानिकारक हो जाता है। लेकिन हमारे इस तेल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे दोबारा भी यूज किया जा सकता है, इसमें कोई खराबी नहीं आती और इसके कोई भी पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तेल में देखिए सबसे पहले ये हम डाल रहे हैं तेजपत्ता, ये हमने 4-6 काली मिर्च और लौंग लिए हैं तो ये डाल देते हैं, जीरा, हींग, अब इसमें हम देखिए ये कटे हुए प्याज डालेंगे, ये हमने एक प्याज रखे थे काट लिए थे बारीक, इसको ये डाल देते हैं। और साथ में देखिए ये हम डाल देते हैं अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट बनाए हैं, हरे पत्ते हमने अलग पीस लिए हैं और ये सूखी हुई लहसुन और अदरक है। तो देखिए ये प्याज लहसुन अदरक मिर्च सब भून गया है, तो इसमें अब हम ये डाल देंगे घुले हुए मसाले, मसालों को थोड़ा पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये मसाले जो हैं हमारे जो मसाले जो गरम मसाले और धनिया वगैरह सब बढ़िया से देखिए पक गया है। तो इसमें अब हम ये डालेंगे, ये देखिए ये हरे मसाले, इसमें हमने प्याज लहसुन और धनिया हरा जो है पीसे थे और ये देखिए ये किस तरह से जम गया है, इसमें हमने पानी नहीं डाले थे, केवल इसी तरह से इसको हम मिक्सी में पीस लिए हैं। तो ये हरे मसाले इसमें हम डाल दे रहे हैं, थोड़े से हम इसमें पानी भी ऐड कर देते हैं, ये हम मिक्सी को धुल के इसमें डाल देते हैं। ये हम थोड़े से पानी भी डाल दिए हैं और अभी हरे मसालों को भी भूनते हैं। और साथ में ही देखिए इसमें दोस्तों हम डाल देते हैं थोड़े से मटर, तो ये ताजे मटर हैं, ये जल्दी से पक जाएंगे साथ में ही, तो ये हम थोड़े से इसमें मटर डाल दे रहे हैं मसालों के साथ, ये मटर अच्छे से पक जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से ये मसाला कितना बढ़िया से पक रहा है और देखिए क्या कलर है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। आप इस तरह से एक बार जरूर ट्राई कीजिए हरे मसालों के साथ पत्ता गोभी की लाजवाब सब्जी। तो देखिए दोस्तों मसाले भून गए हैं और लगभग मटर भी पक गया होगा, तो इसमें अब हम ये डाल देते हैं 3-4 हमने मीडियम साइज के टमाटर पीस लिए हैं, अब डाल देते हैं फिर टमाटर और फिर साथ में ही हम डाल देते हैं नमक। जब टमाटर जब भी सब्जी में डालें और साथ में नमक डाल दें तो टमाटर भी बढ़िया से पकता है और सब्जी का टेस्ट भी बहुत गजब का आता है। ये हम स्वाद के अनुसार डालते हैं नमक और इसको ढक देते हैं, आज थोड़ा धीमा करते हैं और इसको पकने देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया से जो है टमाटर भी मसालों के साथ पक गया है और देखिए ये जो मसाले दिखने में कितना बढ़िया और लजीज लग रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब इसमें देखिए हम डालेंगे ये जो हमने पत्ता गोभी के कोफ्ते फ्राई किए थे ये डाल देते हैं। और हाँ दोस्तों अगर आपको आलू नहीं पसंद है सब्जी में तो आप आलू ना डालें, इसी तरह से इसको बनाएं, लेकिन हमें सब्जी थोड़ी ज़्यादा बनानी है और हम लोग आलू ज़्यादा पसंद करते हैं सब्जी में खाना, तो इसलिए इसमें हम आलू भी डाल रहे हैं। तो देखिए साथ में ही अब हम डाल दे रहे हैं ये आलू, अब इसको भी मिक्स करते हैं। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों ही तरीके से, आप इसमें आलू ना डालें केवल पत्ता गोभी के कच्चे डाल के बनाएं और अगर आप इसमें आलू भी डालना चाहते हैं तो आलू भी डाल लें। तो ये तो हमने देखिए दोनों मिक्स कर दिए हैं और अब देखिए इसमें हम डालेंगे ग्रेवी के अनुसार पानी जितना हमें हमारे घर के फैमिली मेम्बर के लिए सब्जी चाहिए, तो इस हिसाब से इसमें हम देखिए डालेंगे पानी। तो देखिए इसको मसालों में हम बढ़िया से थोड़ी देर भून लिए हैं, तो अब इसमें देखिए हम डाल रहे हैं पानी, क्योंकि देखिए दोस्तों चावल और रोटी के साथ खानी है
तो जो सब्जी होती है वो थोड़ी ग्रेवीदार होती है तो मज़ा आता है खाने में। तो देखिए ये इतना पतला, अभी तो ये पक के गाढ़ा हो जाएगा, तो हमने पानी मतलब से डाल दिए हैं। अब इसको हम पकने देते हैं और बनाते हैं रोटी के लिए आटा गूंथते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आटा हम लगा लिए हैं, तो सब्जी भी चेक करते हैं। ये देखिए ये सब्जी हमारी कितना बढ़िया से पक रहा है और लगभग सब्जी हमारी पक के एकदम से तैयार भी हो गया है, जिस तरह की हमें सब्जी चाहिए थी। ना ही ज़्यादा हमें गाढ़ी ग्रेवी वाली चाहिए थी और ना ही बहुत पतला। तो देखिए हमारी पत्ता गोभी की सब्जी एकदम राइट बन के तैयार है। तो चलिए अभी इसे हम आँच से उतारते हैं और बनाते हैं इस पर हम रोटियाँ। तो चलिए दोस्तों देखिए रोटियां हम बना लिए हैं और अब हम चलते हैं अन्नू जी के लिए, निकालते हैं खाना। हमारी अन्नू को तो लग गया है भूख। चलिए देखिए दोस्तों खेतों में मेहनत करने के बाद फिर हमने ये बनाया है खाना और हमारी बिटिया भी साथ में बहुत मेहनत की है आज, इन्होंने पूरा पेड़ लगवाने में बहुत ये लोग मदद किए हैं। तो चलिए देखिए निकाल दिए हम चावल और ये पत्ता गोभी की मसालेदार सब्जी, ये हम निकालते हैं देखिए सब्जी, और ये गर्मा गर्म रोटी, और ये अन्नू। तो अन्नू खाएंगी और बताएंगी। क्यों अन्नू अच्छा है? हाँ बहुत टेस्टी है। टेस्टी है लग रहा है, बताओ आप लोग भी इसी तरह बनाए, बहुत टेस्टी लगे।